हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल है आरबी अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बजाज पल्सर की पूरी कंप्लीट डिस्क ब्रेक की असेंबली की। भाई डिस्क ब्रेक में बेसिकली तीन पार्टी आते हैं, एक हमारा कैलिपर आती है फ्रंट की जो हमने ली हुई है इंडोरेंस कंपनी में। बेसिकली आज आपको अनबॉक्सिंग दिखाएंगे कंप्लीट। भाई इंडोरेंस जो है एक 100% जेन्युइन वेंडर है बजाज पल्सर के अंदर डिस्क ब्रेक के सभी पार्ट्स का। बजाज पल्सर क्या और भी बाइकों के अंदर ये डिस्क ब्रेक की सारी असेंबली देता है और बजाज के अंदर तो ऑलमोस्ट ये 100% जेन्युइन वेंडर है। शॉकर का भी है, डिस्क ब्रेक के भी पार्ट्स का है, कुछ गाड़ियों के लिए क्लच प्लेट भी जेन्युइन बनाता है 100%। जैसे सीटी 100 के लिए 101% जेन्युइन क्लच प्लेट बनाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई सीटी 100 में तो जेन्युइन क्लच प्लेट ही सस्ती है, तो भाई बजाज अगर आप इंडोरेंस में लोगे तो वो और ज्यादा सस्ती पड़ेगी और निकलेगी भी 100% जेन्युइन। बाकी ये भाई हमने इंडोरेंस में कैलिपर ली हुई है पल्सर की। ये हमने फ्रंट का मास्टर सिलेंडर कंप्लीट लिया हुआ है, जैसे हम एमसी किट जिसकी खराब हो जाती है अपने सोचा होगा एमसी किट डाल दे, माइनर किट या मेजर किट डाल देते हैं। इसके अंदर हमारी माइनर किट लगती है तो रिपेयर हो जाती है, इसके अंदर हमारा एमसी किट लगती है ये भी रिपेयर हो जाता है। पर हमने आज ये पूरा मेजर मतलब मास्टर सिलेंडर असेंबली लिया हुआ है और एक हमने लिया हुआ है पूरा डिस्क ब्रेक की प्लेट ली हुई है जिसे हम तवा भी बोलते हैं देसी भाषा में। कई लोग बोलते होंगे तवा, पर वैसे इसे डिस्क ब्रेक की प्लेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्लेट डिस्क यूपीजी। तो भाइयों ये तीनों चीज़ें हमने बेसिकली कंप्लीट ली हुई है, तीनों की अनबॉक्सिंग आपको इंडोरेंस में दिखाएंगे। कितने का पड़ रहा है, क्या क्वालिटी है, वैसे 100% जेन्युइन ही निकलेगा। अगर आपको नहीं पता था तो आज आपको पता है कि 100% जेन्युइन जो है इंडोरेंस 100% जेन्युइन वेंडर है बजाज के अंदर डिस्क ब्रेक के, शॉकर के और कुछ क्लच के पार्ट्स का भी। तो भाइयों चलिए ज़्यादा देर नहीं करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देते हैं आपको कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो फटाफट से जाइए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा जानकारी देता रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो भाइयों ये हमने लिया हुआ है तीनों हमारे पास पार्ट है डिस्क ब्रेक के। बेसिकली ये हमारी कंप्लीट कैलिपर असेंबली हो गई, ये हो गया मास्टर सिलेंडर, ये हो गया हमारा आगे का डिस्क ब्रेक का प्लेट कंप्लीट। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं भाई अपना मास्टर सिलेंडर को, सीरियल वाइज करेंगे, दो दो को साइड करते हैं, मास्टर सिलेंडर पे आते हैं अपना। तो भाइयों मास्टर सिलेंडर की जो एमआरपी है वो है इंडोरेंस के अंदर 1199 रुपये और अगर वहीं से बजाज में आप लेते हैं तो बजाज में इसकी एमआरपी कम से कम भी नहीं तो 1400 रुपये के आसपास है। देख लेते हैं, पार्ट नंबर है इसका 26103001 और कैलिपर असेंबली पल्सर 135 150 और डिस्कवर 150 तीनों में सेम है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर है इसका 14 अक्टूबर 2021 और एमआरपी है 1199 रुपये। तो भाई 1199 ये जो है हमारा इंडोरेंस में है, अगर आप इसे बजाज में जेन्युइन लेते हो तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो खैर इंडोरेंस में भी आपको 100% जेन्युइन ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि इंडोरेंस में ये कोई और कंपनी वेंडर है, इंडोरेंस तो वैसे भी 100% जेन्युइन वेंडर है। और इंडोरेंस के जो आप प्रोडक्ट खरीदोगे डिस्क ब्रेक से रिलेटेड उसके अंदर रस्ती भर भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इंडोरेंस जो है सिर्फ और सिर्फ बजाज को ही देता है 100% जेन्युइन और किसी को नहीं देता ये 100% जेन्युइन, चाहे शॉकर हो चाहे कैलिपर हो। तो भाइयों ये इसके डिस्पैड हैं, देख लेते हैं। ये देखिए इंडोरेंस के डिस्पैड जो है इसके अंदर साथ में फ्री आए हैं भाई, ये बहुत अच्छा है कि कैलिपर के साथ डिस्क ब्रेक के जो पैड हैं वो FOC में है, मतलब फ्री में ही आ रहे हैं कंप्लीट कैलिपर में। ये रबड़ किट वगैरह सब कुछ इसमें लगी हुई है और यहाँ पर देखते हैं कैलिपर के ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने ETL लिखा हुआ है और यहाँ पर देख लेते हैं भाई और क्या है कैलिपर का। ये भाई एयर का बोल्ट हो गया और बाकी कैलिपर जो है देखने में बहुत ज़्यादा हैवी है यार, देखने में हैवी लग रही है और भाई इसी का रोल होता है सारा डिस्क ब्रेक के पैड का होता है। और ये जो कनेक्ट होकर चलती है ये दो पार्ट पे चलती है, दिखाते हैं आपको। एक ये पाइप देख रहे हैं आप, ये जो जगह है ये पाइप के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर जो लगता है एक ब्रेक फ्लूड इसके अंदर जाता है और यहाँ पर इसके अंदर जो दो पिस्टन देखेंगे आप, पिस्टन है दोनों, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस डिस्क पैड को जब हटाएंगे हम तो ये हमारा देखिए दिख रहे हैं आपको दोनों डिस्क पैड दिख जाएंगे, दो पिस्टन है, इसे कैलिपर के पिस्टन बोलते हैं। जब यहाँ से ऑयल जाता है इसके अंदर और हम लीवर को ऊपर के इस वाले लीवर को प्रेस करते हैं तो इसके अंदर ऑयल भरा जाता है और इसके ऊपर से एक पाइप आता है लीवर के पास से, ब्रेक लीवर से, और वो जाता है इसके अंदर सीधा। लीवर को प्रेस करने से जो ऑयल होता है ब्रेक फ्लूड उस पर प्रेस पड़ता है और वो यहाँ पर भर जाता है और इन्हें प्रेस करता है दोनों पिस्टन को, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इतने जाम हो जाते हैं कि प्लेट जो है वो पकड़ करते हैं डिस्क ब्रेक की प्लेट पर और व्हील जाम हो जाता है, बिल्कुल रुक जाती है। इसलिए डिस्क ब्रेक जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एकदम तरीके से काम करती है। तो भाइयों ये इस कैलिपर को करते हैं साइड। अब आते हैं इसका दूसरे पार्ट पे जो है हमारा मास्टर सिलेंडर, इसे मास्टर सिलेंडर बोलते हैं बेसिकली। तो ये हमने लिया हुआ है मास्टर सिलेंडर। तो भाई इसका पार्ट नंबर वगैरह देख लेते हैं, पार्ट नंबर है इसका इंडोरेंस में 26102001 मास्टर सिलेंडर CYL लिखा हुआ है इन्होंने शॉर्टकट में, वैसे मास्टर सिलेंडर असेंबली PLSR पल्सर, सेम वही होगा फिर से 135 150 और डिस्कवर 125 HT दोनों में लग जाएगा। क्वांटिटी है इसकी एक पीस और मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 24 सितंबर 2021, ठीक है भैया 24 सितंबर 2021। एमआरपी है
1089। तो भाइयों इसका जो प्राइस है बहुत ही सस्ता है, 1089, इसलिए क्योंकि बजाज के अंदर ये और महंगा है, इसलिए यहाँ पर 1089 का। तो ये भी देखा जाए तो सस्ता है एक तरीके से, कंप्लीट है इसे भी। और भाई जल्दी से फटाफट से इसे भी खोल लेते हैं और देखते हैं कि लीवर का जो है क्वालिटी कैसा है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट मास्टर सिलेंडर है, देख पा रहे हैं आप, ये देख लीजिए। तो भाई ये जो है हमारा मास्टर सिलेंडर है, जो कि इस पर लिखा हुआ है कुछ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इंडोरेंस लिखा हुआ है, ENDURANCE, बड़े बड़े अक्षरों में इंडोरेंस लिखा हुआ है कंपनी ने। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है वार्निंग, यूज ओनली .3 और .4 ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम अ सील्ड कंटेनर क्लीन फिल्टर कैप बिफोर रिमूविंग। तो यहाँ पे इन्होंने भाई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि कोई अगर अनाड़ी बंदा भी इसे मिस में ब्रेक फ्लूइड डाल रहा है तो वो इसे पढ़कर इसके अंदर ऑयल जो है ब्रेक का डाल सकता है, और इसके अंदर जो यूज़ होगा वो सिर्फ .3 और .4 ही यूज़ होगा। लोकल ऑयल या कोई भी इंजन ऑयल वगैरह नहीं डलता। ब्रेक जो ऑयल होता है, डिस्क ब्रेक का ऑयल, वो .3 और .4 में ही चलता है, और .3 .4 इसमें दोनों यूज़ हो जाता है। तो भाइयों ये है हमारा कंप्लीट। और अच्छा एक और बात देखते हैं इसके अंदर भाई, जो फ्रंट स्टॉप स्विच बोलते हैं हम, यूनो मिंडा कंपनी का, देख लीजिए यूनो मिंडा का फ्रंट स्टॉप स्विच निकल के आ रहा है इसमें। और यूनो मिंडा का आपको फ्रंट स्टॉप स्विच अलग से मिल जाएगा, इसके साथ फ्री मिलता है क्योंकि कंप्लीट ये असेंबली आ रही है मास्टर सिलेंडर असेंबली। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसे एज इट इज ऐसे लगा देना है और स्विच के जो तार होंगे वो यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये भाई यहाँ पर योग है जिसमें शीशा कसा जाएगा, और बाकी यहाँ से आप इसमें ऑयल का लेवल भी चेक कर सकते हो, कम है या ज़्यादा है। मिनिमम जो है इतना होना ही चाहिए, मतलब 50% तक, आधा लेवल जो है ऊपर दिया हुआ MIN, मतलब 50, मतलब आधी भरी होनी चाहिए कम से कम। ये जब भी इससे डाउन हो आपको यहाँ से दो पेज खोल के इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड भर देना है। बाकी और अगर देखें तो लीवर के ऊपर भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, तो लीवर है ETL का भाई, लीवर भी अलग से मिल जाता है, आपको बता देता हूँ। अगर डिस्क ब्रेक का ये लीवर आपको अलग से खरीदना है तो आप अलग से इसे भी परचेज कर सकते हो, ये भी आपको अलग से मिल जाएगा। तो इंडोरेंस के अंदर ही मिल जाएगा, जैनून ज़्यादा महंगा नहीं है, 70-80 रुपये का लीवर आता है, और स्विच आता है 80-90 रुपये का, मिंडा के अंदर शायद 90 रुपये का है। उसके अलावा ये कंप्लीट तो आपने देख ही लिया, 1000 कुछ का कंप्लीट हमारा मास्टर सिलेंडर असेंबली है। दोबारा देख लेते हैं एक बार कितने का है कंप्लीट, 1089 रुपये भाई, 1089 का कंप्लीट हमारा मास्टर सिलेंडर। तो अब आते हैं अपना लास्ट पार्ट पे, जो हमारा है फ्रंट डिस्क ब्रेक का प्लेट। तो भाई इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर। ये हमारा तवा हो गया, बट उससे पहले इसकी MRP वगैरह चेक कर लेते हैं, क्या है इसकी MRP। तो ये है भाई, थोड़ा सा ये महंगा होगा, हाँ देखा, 1323 रुपये, महंगी आइटम है ये, थोड़ा सा महंगा ही आता है। तो पार्ट नंबर है इसका 26305005031, डिस्क प्लेट UPG क्वांटिटी 1 पीस। ये भाई UPG कोई कोड है, अपग्रेड पल्सर हो या जो भी कोड है, इंडोरेंस ने खुद का कोड दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका 3 अगस्त 2021, MRP है 1323 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। और अब आते हैं इसकी क्वालिटी पे। तो ये भाइयों तवा निकाल लेते हैं बाहर, तो देख लीजिए भाई तवे की क्वालिटी देखिए, देख पा रहे हैं आप, एकदम अलग ही लेवल का भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। साइनिंग देखिए, क्रॉस इसके ऊपर भी क्रॉस वो होगी जो पॉलिश होगी इसके ऊपर, बेसिकली कोई पॉलिश नहीं होती, ग्राइंडिंग होता है ये, बिल्कुल फेस इसका बिल्कुल बराबर होता है। ये कट कट कर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के दो ही रीज़न है, या तो किसी ने एक्सीडेंटल इस तरफ से व्हील की तरफ से किसी ने कोई एक्सीडेंटल मारा और एक्सीडेंटल चोट पड़ी हो और जिसकी वजह से हल्का सा टेढ़ा हो तब भी ये ख़राब हो जाता है, या फिर डिस्क ब्रेक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो घिस घिस के ये पतला हो जाता है। अभी देखिए कितनी मोटी इसकी, कितनी हैवी थिकनेस है, देख रहे हैं ये थिकनेस है इसकी। और बाकी अगर इस पे देखें कहीं क्या कंपनी का मोहर है या नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कोडिंग है भाइयों, ZZ21B, उसके अलावा और कहीं कुछ लिखा है या नहीं लिखा है ये भी देख लेते हैं। तो इधर तो कुछ और नहीं लिखा है, इधर देखते हैं भाई, हाँ तो इधर लिखा हुआ है इन्होंने ETL भाई, इंडोरेंस की शॉर्ट फॉर्म है। ETL अगर लिखा है तो समझ जाइए आप, कहीं भी ETL मतलब इंडोरेंस। और उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ और लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ पर इसकी थिकनेस वगैरह दी हुई है 3.5 mm, और ये है हमारा कंप्लीट जो है डिस्क ब्रेक की प्लेट। तो भाइयों ये था हमारा डिस्क ब्रेक की कंप्लीट असेंबली। अगर बेसिकली मोटरसाइकिल आपकी है, पल्सर हो, पल्सर 135 हो, डिस्क कवर XT हो या कोई सी भी गाड़ी हो, तो उसके अंदर आप ये तीनों चारों गाड़ियों में लगा सकते हो जैसे कि आपने देखा। और अगर आपको लगता है कि गाड़ी में डिस्क ब्रेक का इशू आ रहा है, आपने ये भी डलवा लिया, दो तीन चीज़ें इसमें रिपेयर करा ली और फिर भी परेशानी सॉल्व नहीं हो रही, आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो रही, तो आप कंप्लीट ये तीनों पार्ट डालिए और डिस्क ब्रेक की समस्या का जड़ से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो भाइयों ये थी हमारी डिस्क ब्रेक की कंप्लीट असेंबली।
तो आशा करता हूं भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपके पास बिना किसी रुकावट के आती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड बाय।